तो सबसे पहला पॉइंट आप डाल लें स्वर संधि, पहला पॉइंट डालें इसमें स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में थोड़ा सा एक लाइन लिख लें, जहां समान स्वरों का मेल होता है, जहां नहीं ऐसा लिखिएगा, स्वरों का मेल, जहां स्वरों का मेल स्वरों से होता है, जहां स्वरों का मेल स्वरों से होता है, स्वरों का मेल स्वरों से होता है तथा उससे जो विकार या परिवर्तन होता है, तथा उससे जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है, तथा उससे जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है, ठीक। अब स्वर संधि इसमें मैंने जो आपको डिफाइन किया कि जहां पर सिर्फ स्वरों का मेल स्वरों से हो, व्यंजन में जब आप पढ़ेंगे यही परिभाषा तो व्यंजन में आती है कि पहला वर्ण आपका स्वर होना चाहिए लेकिन दूसरे के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसमें चाहे व्यंजन का मेल व्यंजन से करा दीजिए, चाहे व्यंजन का मेल आप स्वर से कराइए, ठीक है। तो स्वरों का मेल स्वरों से होना चाहिए इसमें, जैसे विद्या धन अर्थी। अब यहां पर आप देखें, पहला जो शब्द मैंने लिखा है इसका अंतिम वर्ण बड़ा, और जो दूसरा शब्द मैंने लिखा है इसका प्रथम वर्ण आ है, तो इन दोनों के मेल से बड़ा आ बनेगा, तो विद्या धन अर्थी मिलके विद्यार्थी बन जाता है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसे दूसरा उदाहरण अगर आप देखें, देव प्लस आलय, आलय का मतलब वैसे घर होता है, शिव धन आलय, देव धन आलय, हिम धन आलय, ये सारे उदाहरण स्वर संधि के ही भेद हैं। स्वर अगर आप संधि अच्छे से सीख गए तो आपको संधि विच्छेद अपने आप मालूम चल जाएगा, क्योंकि रटे रटाए पैटर्न है, वहीं पूछे जाते हैं। देव धन आलय, यहां देव का अंतिम वर्ण आपका आ है और आलय का प्रथम वर्ण आपका बड़ा आ है, दोनों का जब हम मेल कराएंगे तो यहां पर बड़ा आ आएगा और इसीलिए देव धन आलय मिलके देवालय बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी है, धर्मार्थी है, बहुत सारे हैं, लेकिन दो उदाहरण के तौर पर इनको आप लिख लें कि विद्या धन अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी और देव धन आलय इक्वल टू देवालय। बस अंतिम वर्ण पर आपको फोकस होना है कि इनका मेल पूरा है और कैसे कैसे इसमें हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। दोनों उदाहरण लिख लीजिए। स्वर संधि आपकी यही डिफाइन हो गई। अगला जो पॉइंट हमारा कमेंट होगा वो होगा स्वर संधि के भेद। अगले पॉइंट के रूप में लिखिए स्वर संधि के भेद। चलिए अब भेद में हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से भेद हैं। मैंने पहले ही आपसे यह पॉइंट कमेंट किया कि स्वर संधि के पांच भेद हैं, पांचों का एक फिगर बना लें आप कि स्वर संधि हैं, जो अभी इससे पहले मैंने फिगर बनाया था, स्वर संधि के पांच ऐसे रूट दिखा दें। पहला है आपका दीर्घ, दूसरा आपका है, आप बनाते चले साथ साथ, दीर्घ है, फिर आपका गुण संधि है, फिर तीसरी आपकी वृद्धि संधि है और चौथी आपकी यण संधि है और पांचवी जो है ये आपकी अयादि संधि है। तो एक एक करके अब हम देखेंगे इनके कि कौन सी संधि में, आखिर दीर्घ संधि को दीर्घ क्यों कहा गया, गुण संधि को गुण क्यों कहते हैं, वृद्धि को वृद्धि क्यों कहते हैं, यण को यण क्यों कहते हैं। जाहिर सी बात है इनमें जिस अनुसार इनके नाम है उन्हीं अनुरूप इनमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इधर मैं स्वर आपके लिखे दे रहा हूं जिनसे हमें सीखना है। पहला तो है अ आ, दूसरा है इ, तीसरा आपका है उ, फिर री, उसके बाद ए आए और ओ आओ। इतने हैं, इन्हीं को अब सीखना है कि इनका मेल कैसे होता है, कैसे कैसे इसमें विकार आते हैं। देखिए मैंने आपके सारे स्वरों को लिख दिया यहां पर, अब मैं इनको पॉइंट दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, यानी छह प्रकार के ही हमें स्वरों का मेल पढ़ना है। पहले जब पॉइंट आपने कमेंट यहां किया, पहली जो संधि है दीर्घ संधि, ठीक। दीर्घ संधि में होता क्या है,
कि इसमें अगर समान स्वरों का आपस में मेल करा दीजिए, वन का मेल वन के ही किसी पार्ट से हो जाए, ए या बी से, यानी अगर दीर्घ स्वर डेफिनेशन डाल दीजिए, दीर्घ संधि हेडिंग डालें, उसमें लिखिए, दीर्घ संधि में लिखिए, जहां पर समान स्वरों का मेल समान स्वरों से हो, जहां पर समान स्वरों का मेल समान स्वरों से हो, जहां पर समान स्वरों का मेल समान स्वरों से हो, समान स्वरों से हो, समान स्वरों से हो, वहां पर दीर्घ संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है, ठीक है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब यहां समझिए थोड़ा सा, सारे पॉइंट में एक एक उदाहरण करके आपको बता रहा हूं किस में क्या है। सबसे पहले एक चीज आपने पढ़ा था, कभी आपने पढ़ा होगा, याद होगा, प्रभाविता का नियम, एक तरीके से डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, क्या चीजें प्रभावी होती है, इसमें वही डोमिनेंस वाला फैक्टर है। अगर आ का मेल बड़ा आ से हो गया, या आ का मेल आ से हो गया, या बड़ा आ का मेल आ से हो गया, और या फिर बड़ा आ का मेल बड़ा आ से हो गया, तो हमेशा कौन, बड़े भाई ही बड़े भाई रहेंगे, छोटे भाई का कोई मतलब नहीं। इसका भी मेल बड़ा आ होगा, इसका भी मेल बड़ा आ होगा, इसका भी मेल बड़ा आ होगा, और इसका भी मेल बड़ा आ होगा। ये आपके चार पॉइंट यहां से बनते हैं पहले वाले से, यानी अगर पहले का मेल हम पहले में ही कराएं, समान स्वरों का मेल समान स्वर में कराते हैं, तो हमेशा रिजल्ट के रूप में आपको बड़ी ही मात्रा मिलनी है, इसीलिए इसका नाम दीर्घ है, ठीक। ऐसे अगर आप छोटी इसमें देखें, तो छोटी ई के मेल अगर बड़ी ई से कराएं, या छोटी ई का मेल छोटी ई से करा रहे, या फिर बड़ी ई का मेल छोटी ई से करा रहे, और या फिर बड़ी ई का मेल बड़ी ई से करा रहे, तब हमेशा चारों का चारों रिस्पांस बड़ी ही देंगे, ठीक है। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है, ठीक। अगर आप ऊ का मेल देखें, ऊ का मेल ऊ से कराएंगे, तब भी आपका बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी ही लगेगी, ऐसे इनमें होगा, ऐसे इनमें, ऐसे इनमें, सभी में चलता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो पूछे जाते हैं, तीन ही पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का मेल, यही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कि आपको पहले में चारों पॉइंट पता होने चाहिए किसमें कौन सा मेल होता है, दूसरे के चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी मात्रा आनी है, और इसी का जब आप ध्यान में इनको रखेंगे तो संधि विच्छेद आपके लिए बड़ा आसान होगा, नहीं तो संधि विच्छेद जहां ये पॉइंट आप उठाए वहीं कंफ्यूज होने लगते हैं। ये तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसमें बड़ा आ का मात्रा अगर है, या बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो वहां कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ संधि है। लेकिन जब उसका संधि विच्छेद करने लगते हैं तो ये कंफ्यूजन देने लगता है कि किसमें बड़ी ई पहले होगा, किसमें जो है बड़ी ई बाद में होगा। चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं, हम समझ जाएंगे कि किसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं आ वाले उदाहरण आपसे शुरू करता हूं कि आ और बड़ा आ का मेल कैसे बड़ा आ में परिवर्तित होगा। सबसे पहले का उदाहरण देखें तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया था, हिम धन आलय, ये सबसे पहला आपका उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ण जो है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ है, तो हिम धन आलय मिलके आपका बनता है हिमालय, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसी का अगर उदाहरण देखें तो शिव धन आलय, इसमें भी आ का मेल बड़ा आ से हो रहा है, तो शिव धन आलय मिलके आपका बन जाता है शिवालय, ठीक है, ये दोनों उदाहरण नोट कर लें, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये हिमालय तो अभी पूछा गया है लेटेस्ट ही, ठीक, शिवालय भी वही बनता है। हो गए दोनों पॉइंट, हिम धन आलय हिमालय हो गया आपका, आ का मेल बड़ा आ से हुआ, तो यहां पर रिजल्टेंट आपका रिजल्ट क्या आया, बड़ा आ की मात्रा यहां पर लगी, ठीक है। वर्णों में क्या, जो हम उच्चारित करते हैं उन्हीं वर्णों में केवल परिवर्तन हो रहा है, मात्राओं में एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि सिर्फ स्वरों की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। वहां जब व्यंजन आप संधि पढ़ेंगे तो इसमें जैसे आ आपका बड़ा आ में बदल गया, मात्रा लग गई, वहां ऐसा नहीं है, वहां पर आपका सीधा का सीधा जैसे का है तो का गा में परिवर्तित हो गया, प्रथम नियम ही व्यंजन का है उसमें, कि अगर प्रथम वर्ण का मेल उनमें से आने वाले किसी से हो रहा है
तीन चार पांच से हो रहा है तो उसका उसी में परिवर्तन होता है। वो बहरहाल हम व्यंजन में पढ़ेंगे। तो यहां आपने देखा कि प्रथम जो शब्द दिया है इसका अंतिम वर्ण उठाइए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उठाइए, दोनों का मेल करा दीजिए, मात्रा हमेशा जो बड़ा है उसी की लगनी है। ठीक, क्लियर हो गया इतना। चलिए दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, हम आ और आ का मेल देखते हैं। आ और आ का मेल सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, जैसे लिखा है धर्म धन अर्थ। ठीक, अब धर्म धन अर्थ लिखा है, यहां पर भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, इन दोनों का मेल होगा। अब वैसे आ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, लेकिन जब वही चीज हम संधि में पढ़ते हैं तो संधि में आ और आ का मेल मिलके क्या होगा, बड़ा आ होगा। तो इसलिए धर्म धन अर्थ मिलके क्या बनेगा, धर्मार्थ बन जाता है। ठीक है, धर्म धन अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ बनेगा। दूसरा इसी का उदाहरण अगर हम देखें, आ प्लस आ का उदाहरण हम दूसरा देखें, तो इसका दूसरा उदाहरण है जैसे स्वाधन अर्थी। ठीक, यह भी पूछा गया है, संधि विच्छेद में पूछा है स्वाधन अर्थी। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, इन दोनों का मेल होगा तो बड़ा आ आएगा, तो स्वाधन अर्थी मिलकर आपका बन जाता है स्वार्थी। ठीक है, ये दो उदाहरण इसमें लिख लें आप, स्वाधन अर्थी इक्वल टू स्वार्थी, धर्म धन अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। दोनों उदाहरण लिख लीजिए, स्वाधन अर्थी इक्वल टू स्वार्थी और धर्म धन अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। अब हमें अगले पॉइंट के रूप में बढ़ना है, अगला पॉइंट आपका कौन सा होगा, अब बड़ा आ का मेल आ से हमें देखना है कि बड़ा आ का मेल आ से होगा तो बड़ा आ की मात्रा लगती है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चेंज होता है, ये दोनों नोट कर ले आप लोग। अगर इस हिसाब से अभी देखिए, ये जो चीजें आपकी बनी हुई है यहां फिगराइज हैं, तो अभी आपके दिमाग में यही फिगर, सिर्फ इतना फिगर रखिए, आपके आगे सारे संधि क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक, अगला इसके बाद उदाहरण है बड़ा आ का मेल छोटा आ से। तो इसके उदाहरण में आप देखिए, सबसे पहला आपका है, एक तो है सीमा धन अंत, सबसे पहला उदाहरण। ठीक है, इसका अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखें तो बड़ा आ है और द्वितीय शब्द जो है आपका इसका प्रथम वर्ण आपका आ है एक तरीके से, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो दोनों के मेल में बड़ा आ की मात्रा आएगी, तो सीमा धन अंत मिलके आपका सीमांत बन जाता है। ठीक है, एक सीमांत प्रदेश के नाम से आप जानते हैं नेफा, आपके जीएस में पूछता है कि नेफा को किस नाम से, आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम नेफा था। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया नेफा। तो सीमा धनांत इक्वल टू सीमांत हो गया, लिख ले इसको भी, नोट कर लें। ऐसे इसी का एक और उदाहरण है, वो है आपका परीक्षा धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, इससे पहले मैंने बताया था। तो परीक्षा धन अर्थी जब इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी। ठीक है, परीक्षा धन अर्थी इक्वल टू परीक्षार्थी बन गया। दो उदाहरण इसके भी लिख ले, समझ में आ रहा है ना उन्नति। ठीक, परीक्षा धन अर्थी इक्वल टू परीक्षार्थी। ठीक, चलिए अगला सबसे लास्ट हमारे पास बच रहा है, बड़ा आ का मेल बड़ा आ से, ये कैसे होगा। तो बड़ा आ का मेल जब बड़ा आ से हमें कराना है तो इसका सबसे पहला उदाहरण अभी पूछा था महात्मा का संधि विच्छेद, तो वही इसका उदाहरण है। जैसे बड़ा आ का मेल बड़ा आ से कराना है तो महाधन आत्मा, ठीक है, महाधन आत्मा। अब इसमें महा में भी अंतिम जो वर्ण है ये बड़ा आ है और आत्मा का जो पहला वर्ण है ये भी बड़ा आ है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो बड़ा आ आएगा, यानी महाधन आत्मा इक्वल टू बनेगा आपका महात्मा। ठीक है, महाधन आत्मा इक्वल टू महात्मा। ठीक है, इसी में आप लिख सकते हैं महाधन आलाप, महालाप बन जाएगा, महाधन आलाप महालाप होगा। विद्याधन आलय इसी का उदाहरण है, इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, बड़ा का बड़ा से मेल में विद्या धन आलय। तो इसमें देखिए, जहां पर डाउट होगा वहां पूछते चलिएगा,
कि ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, विद्याधनालय इस शब्द का अंतिम वर्ड बड़ा आ है और इस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड आपका बड़ा आ है, तो बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके क्या होगा, बड़ा आ होगा, जाहिर सी बात है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इन दोनों का जब हम मेल कराएंगे विद्याधनालय तो ये मिल जाता है विद्यालय। ठीक है, तो पहले के चारों पॉइंट के दो दो उदाहरण हो गए, आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहेगा कि कौन सा कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट करते हैं आप। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हम बढ़ेंगे, ई का मेल देखेंगे कि ई का मेल या ई का मेल ई से कराएं या बड़ी ई का मेल ई से कराएं या बड़ी ई का मेल बड़ी ई से कराएं तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। चलिए इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम ई का मेल ई से ही कराना शुरू करते हैं और फिर दूसरा पॉइंट होगा बड़ी ई का मेल बड़ी ई का मेल बड़ी ई से, फिर बड़ी ई का मेल ई से होगा और उसके बाद बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा। ऐसे आप लोग भी बना लें और इनके सामने दो दो उदाहरण ऐसे लिखते चले, हर एक के सामने बना लीजिए ताकि एक बार जब आप नोट्स पलटे तो उसी समय आपकी शुरू हो जाए। हाँ, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से। ठीक है, सबसे पहला इसका उदाहरण है ई प्लस ई का यानी छोटी ई का मेल छोटी ई से। इसमें सबसे पहला बनेगा आपका अति धन ईयू, अति धन ईयू। अब यहां पर देखें आप, प्रथम जो आपका शब्द है इसका अंतिम वर्ण छोटी ई है और जो दूसरा शब्द है इसका भी अंतिम वर्ण छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई का मेल होके क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो अति धन ईयू मिलके बन जाता है आपका अतीयू। ठीक है, लिख लें इसको, अति धन ई इक्वल टू अतीयू हो गया। ऐसे इसी में एक श्रृंखला आपकी रटी रटाई है, कवींद्र मुनींद्र इन सबसे पूछता है तो उसका भी उदाहरण ई प्लस ई का ही है। जैसे कवींद्र का अगर हम देखें तो कवि धन इंद्र, ये मिलके आपका बनता है कवींद्र, क्योंकि यहां पर भी छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है, इन दोनों का जब मेल होगा तो बड़ी ई की मात्रा हमें लगानी ही लगानी है, तो कवि धन इंद्र कवींद्र बनेगा। ठीक है, ऐसे इसी में आप मुनि धन इंद्र लिख सकते हैं। ठीक, तो मुनि धन इंद्र आपका बन जाता है मुनींद्र। ठीक है, तो उदाहरण ये भी लिख लें, कवि धन इंद्र और मुनि धन इंद्र। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि छोटी ई का मेल बड़ी ई से कैसे होगा, क्या परिवर्तन वहां पर आएंगे। डिटेल देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर आप पूरा डिटेल एक बार सीख गए हैं तो आप कभी भी ओपन करेंगे वो आपको आता रहेगा, लेकिन एक बार अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आपने पता चला कि कहीं पर भी थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर आपने देख लिया तो फिर सब चौपट ही है। इसीलिए एक बार पूरी बेसिक आप जाने कि इसमें होता क्या है। हिंदी देखिए, सारे लोग मानते हैं हिंदी बहुत आसान है, लेकिन हिंदी में ही सारे नंबर कटते हैं। अगर राज्य सरकार की किसी परीक्षा में आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके लिए ये जरूरी बनता है कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ें। और हिंदी पढ़ने से पहले एक सारे लोग करिएगा जो मैं बार बार बोलता हूं कि आप सबसे पहले क्या करें कि जितना सिलेबस उसका प्रिंट आउट ले लें, जहां पढ़ रहे वहां लगा लें और एक बार सारे पॉइंट पढ़ लो। पढ़ने का अर्थ समझते हैं ना, जब आप कलम से पढ़ते हो वो पढ़ना होता है, दिल दिमाग सारी चीजें एक जगह होती हैं, आंखें एक जगह हो पढ़ाई वो होती है। यानी आप पढ़ें तो जब आप पेन लेकर पढ़ना शुरू करते हैं वो पढ़ाई नहीं कि अच्छा नोट्स उठाए पढ़ गया, किताब उठाए पढ़ गए। हाँ, किताबों को पढ़ना एक अलग होता है, जितना कम से कम दें, लेकिन ये आप कोशिश करें कि एक ही किताब को, अगर एक ही वर्णमाला ही आपका नहीं कंफर्म हो रहा है अच्छे से, तो जाहिर सी बात है इससे कम से कम आपके 6 क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो का पेपर उठाइए, 5 से 6 क्वेश्चन हर उसमें मिलेंगे आपको हर सेट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स उठाने हैं पहले ही पॉइंट से तो आपको ये एकदम कंफर्म होना चाहिए कि वर्णमाला आपकी बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, ई का मेल बड़ी ई से देखते हैं कि कौन कौन से इसमें उदाहरण आते हैं। सबसे पहला इसका उदाहरण है ई का मेल बड़ी ई से, गिरिधन ईस। सबसे पहला आप लिखें गिरिधन ईस। अब यहां पर आप देखें, यहां छोटी ई की मात्रा है और यहां पर
बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई और बड़ी ई का मेल होके बड़ी ई बनेगा, तो गिरिधन ईस मिलके बन जाता है आपका गिरीस। ठीक, यहां बड़ी ई की मात्रा लगेगी, नोट कर लें। पहला गिरिधन ईस इक्वल टू गिरीस। इसी में एक आपका आता है परिधन इच्छा, दूसरा इसका उदाहरण है परिधन इच्छा। इन दोनों का जब आप मेल कराएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, परीक्षा बनेगा। परिधन इच्छा इक्वल टू परीक्षा। ठीक है, नोट कर लें दो उदाहरण इसके भी। तीसरा है बड़ी का मेल छोटी से कैसे होगा, क्या परिवर्तन होंगे, उनको देखते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है, यानी बड़ी का मेल छोटी से होगा तो महीधन इंद्र सबसे पहला इसका उदाहरण बनता है, ये नोट कर लिए ना आप लोग। इसमें देखिए मही धन इंद्र सबसे पहला उदाहरण, तो यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहां छोटी ई की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी मेल होगा तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो मही धन इंद्र मिलके आपका बन जाता है महेंद्र। ठीक है, ऐसे इसी पे एक और है, जैसे आपका लिखा है लक्ष्मी धन इच्छा। ठीक है, लक्ष्मी धन इच्छा, ये क्या बनेगा? लक्ष्मी इच्छा। ये यानी इस पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी। दो उदाहरण ये भी लिख ले। अगला आपका चौथा पॉइंट है बड़ी का मेल बड़ी से, इनमें क्या परिवर्तन होंगे? जाहिर सी बात है बड़ी ही लगनी है, लिख लें इन दोनों को। चलिए अगला देखते हैं, बड़ी का मेल बड़ी से, तो इसमें सबसे पहला है आपका रजनी धन ईस। ठीक है, ये कई लोगों के नाम होते हैं, क्या बनेगा इससे? रजनी धन ईस से रजनीश बनेगा। ठीक है, रजनी धन ईस से आपका रजनीश बन जाएगा, ये लिख लें। ठीक, ये नाम बहुत सारे लोगों के होते हैं, रजनी धन ईस इक्वल टू रजनीश, ऐसे आपको करना है। ठीक है, छोटा ऊ की बताने का जरूरत अभी? ठीक, कंप्लीट हो गया ना, उतना समझ गए कि किसमें क्या परिवर्तन होता है।